हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशंस क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे थे। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट उसी सीरीज के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है, अभिवृद्धि में किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जब बात अभिवृद्धि की आएगी ना, तो हमें अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर क्या रखना है, जब अभिवृद्धि की बात आएगी तो हमें सारी पक्ष को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, हमारे शरीर के अंग स्वरूप आकार में जो भी परिवर्तन होता है वो क्या होता है, हमारी अभिवृद्धि होता है। तो अभिवृद्धि में किस पक्ष का अध्ययन करेंगे हम, अभिवृद्धि में जिस पक्ष का अध्ययन करेंगे वो शारीरिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार भार में वृद्धि के लिए करते हैं, यह कथन किसका है कि अभिवृद्धि का प्रयोग किसके लिए करें, अभिवृद्धि का प्रयोग हम शरीर के आकार व भार में वृद्धि के लिए करें। तो ये ऐसा कहने वाले कौन थे कि जो अभिवृद्धि है वो हमारे शरीर के आकार व भार में परिवर्तन लाता है, ऐसे कहने वाले जो व्यक्ति थे, ऐसा कोटेशन देने वाले जो महोदय थे वो थे सोरेनसन। आगे देखिए, निम्नलिखित रूप से अभिवृद्धि की विशेषताएं क्या है, कि अभिवृद्धि क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब भी अभिवृद्धि की बात आएगी तो हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट जो जिसमें हमारे शरीर के अंग है, आकार है, स्वरूप है, भार है, जिसमें परिवर्तन होता है। और जब ये परिवर्तन होता है तो स्पष्टतः दिखाई देता है कि ऐसा कोई परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, छोटे से थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रोथ आती है, तो हमें दिखने लग जाती है कि बच्चा क्या हो रहा है, बच्चे की लेंथ बढ़ रही है, बच्चा थोड़ा सा वो पतला होता है, वो थोड़ा सा मोटा होने लग जाता है, तो हमें पता लग जाता है क्या वो पतले से क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो उसके भार में परिवर्तन होने लग जाता है, यही क्या अभिवृद्धि है। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, विकास का एक हिस्सा है। बिल्कुल, अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है। विकास में सारे पक्ष शामिल होते हैं, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, बौद्धिक हो, चूंकि अभिवृद्धि शारीरिक विकास को प्रस्तुत करती है, इस प्रकार से अभिवृद्धि क्या है, विकास का हिस्सा है। अभिवृद्धि मूर्त है, बिल्कुल जब भी किसी में अभिवृद्धि होगी, चाहे वो चाइल्ड हो, चाइल्ड में जब भी प्रोग्रेस होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रोग्रेस किसी फिजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, तो अभिवृद्धि मूर्त भी होती है। तीसरी, अभिवृद्धि भौतिक होती है। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। बाल विकास में किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, कि जो बाल विकास है, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, देखिए जो बाल विकास है, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये गर्भावस्था के बाद इसका स्टार्ट, जब बाल विकास की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जो बाल विकास था वो गर्भावस्था के बाद, जन्म के बाद की परिस्थितियों से समझा जाता था। लेकिन एक महोदय आए हरलोक, हरलोक ने कहा कि नहीं, हर लोग ने कहा कि जो विकास है, जो बाल विकास है, वो जन्म के पहले की अवस्था है, गर्भ अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी, कि जो बाल विकास में हम किसको स्टडी करेंगे, गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। बाल विकास में सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, उसको सबसे पहले परिभाषित किसने किया था। जब बात चाइल्ड डेवलपमेंट की आएगी तो चाइल्ड डेवलपमेंट को सबसे पहले परिभाषित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बर्क महोदय। बर्क महोदय ने क्या किया था, बाल विकास को सबसे पहले क्या किया था, परिभाषित किया था। दूसरा, बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन मनोवैज्ञानिक किसने किया था, कि जो बाल विकास है उसका मनोवैज्ञानिक स्टडी किसने की थी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किसने किया था। तो देखो, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पेस्टोलॉजी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पेस्टोलॉजी महोदय कहां के थे, जर्मन के थे। जो पेस्टोलॉजी महोदय है ये जर्मन के थे। इन्होंने 1774 में क्या किया, 1774 में अपने ही बेटे, 3.5 वर्षीय बच्चे पे क्या किया, प्रयोग किया। उन प्रयोग का क्या नाम दिया, प्रयोग को जो नाम दिया वो था बेबी बायोग्राफी। ठीक है, यही क्या बनी, ये बेबी बायोग्राफी ही बाल विकास का क्या बनी, आधार बनी। तो बाल विकास का सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले जो महोदय थे वो पेस्टोलॉजी थे। पेस्टोलॉजी कहाँ के थे, जर्मन के थे। पेस्टोलॉजी का प्रभाव किस पे आया, टाइडमेन पे आया। 1784 के अंदर उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पेस्टोलॉजी होगा। टेबुलर रसा क्या है, देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम क्या था, जॉन लॉक। ये जॉन लॉक एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जो जिन्होंने कहा था कि बच्चा क्या है, बच्चे का जो माइंड है वो टेबुला रसा है। कैसे, कि बच्चा इतना, जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, वो इस संसार में आकर, इस वातावरण में आकर ही क्या करता है, अनुभव को प्राप्त करता है। इस वजह से हम चाहे जो उस पर लिख सकते हैं,
तो इस वजह से जो टेबुला रसा का प्रयोग हम खाली स्लेट के रूप में ले सकते हैं, मोम के समान ले सकते हैं, कोरा कागज भी कह सकते हैं। तो टेबुला रसे का जो मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, अगर इंग्लिश में कहें तो ब्लैंक स्लेट, जिसका मतलब होता है कि चाहे जो उस पर लिख सकते हैं, चाहे जैसा हम क्या दे दे मोम, चाहे जैसा उसको क्या दे दे आकार दे दे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। टेबुला रसा का मतलब खाली स्लेट भी होता है, मोम के समान भी होता है, कोरा कागज भी होता है। बाद में देखिए जो आठवां क्वेश्चन है, भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन किसने किया था। 4H, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 4H क्या है। जब बात 4H की आती है तो सबसे पहले जो बात आती है वो हेड आ जाता है, बाद में जो बात आती है वो हर्ट आ जाता है, उसके बाद में जो बात आती है वो हेल्थ आ जाती है, और जो फोर जिसकी बात आती है वो हैंड आ जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी का मानना था कि हेड का, हमारी मस्तिष्क का, हमारे मन का, हमारे स्वास्थ्य का, और हमारा जो कार्य करने की क्षमता है उसका क्या होना चाहिए, सर्वोत्तम विकास होना चाहिए। तो भारत में 4H की अवधारणा देने वाले जो महोदय थे वो कौन थे, हमारे महात्मा गांधी थे। 3H एंड 4H की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया था, तो 3H एंड 4H की अवधारणा का प्रतिपादक करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी। जो हमारा आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। अभी अभी हमने डिस्कस किया था बाल दिन आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए हम बात करते हैं स्टैनली हॉल की, ये स्टैनली हॉल कहाँ के थे, स्टैनली हॉल अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया, 1893 के अंदर, 1893 से लेकर 1895 के अंदर अमेरिका में बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना कर दी, और इसी से क्या हुआ, बाल जो बाल अध्ययन आंदोलन है उसकी स्टार्टिंग हुई। तो बाल अध्ययन आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1893 के अंदर। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है, जब हम बात करें प्राचीन प्रश्नावली विधि की, जो सबसे पहले जो प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, सुकरात महोदय थे, ठीक है। उसके बाद में जो मनोविज्ञान की बात करें, अगर मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, स्टैनली हॉल थे। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको एजुकेशन में पूछेंगे कि एजुकेशन में प्रश्नावली विधि के जो जनक थे वो कौन थे, वुडवर्थ थे, तो हमारा जो आंसर वो क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, वुडवर्थ होगा। भारतीय बाल विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, हमने पहले डिस्कस किया था, जो पहले लास्ट के क्वेश्चन था कि बाल विकास के अंदर भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, 1930 में हुई थी, ठीक है। 1930 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ से हुई थी, कलकत्ता से हुई थी। तो भारत में बाल विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये ताराबाई मोटे जो गिज्जूबाई वगैरह ने क्या किया था, भारत में बाल विकास को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा सहयोग किया था। तो ताराबाई मोटे जो गिज्जूबाई वगैरह ने क्या किया था, भारत में बाल विकास को प्रतिपादित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था से जीवन पर्यंत चलती है, ये सिद्धांत प्रदर्शित करता है। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल। विकास जन्म से पहले से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक चलता है, बिल्कुल सही बात है। जो गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखो विकास के इतने सारे सिद्धांत दिए हैं, वो विकास का कौन सा सिद्धांत है, क्या समान प्रतिमान का सिद्धांत है, नहीं। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि समान प्रतिमान के समान जो चाइल्ड होती है वो जन्म लेते हैं। जैसे मनुष्य के क्या होगा, मनुष्य होगी, पशु के किस तरह की संतान पैदा होगी, पशु ही होगी। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। लेकिन ये जो निरंतरता का सिद्धांत, वो ये कहता है कि विकास क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, विकास इज कंटिन्यूस प्रोसेस। विकास कहाँ चलता है, विकास गर्भ अवस्था से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक चलता है। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, निरंतरता का विकास। जीन को कैसी संरचना माना जाता है, जीन कैसी संरचना है, देखिए अगर हम जीन का कार्य देखें तो गत्यात्मक होगा, क्योंकि जीन क्या करता है, जीन जितने भी आनुवंशिक जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। लेकिन यहाँ पर जीन की क्या पूछी है, जीन की आसंरचना पूछी है, उसका स्वरूप पूछा है। तो जब जीन का स्वरूप पूछा है तो वो क्या होगा, स्थिर। ये जीन क्या होते हैं, हमारे आनुवंशिक गुणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। इन्हीं जीन को हमारे आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो आनुवंशिक क्वालिटीज होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो इनका जो कार्य होगा वो गत्यात्मक होगा, लेकिन इनका स्वरूप क्या होगा, स्थिर होगा। इसी वजह से देखा जाए, हमने बीच में इनका सिद्धांत पढ़ा था, जिन्होंने क्या दिया था, जीवन द्रव्य का सिद्धांत दिया था, निरंतरता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कई प्रकार के चूहों की क्या कार्ड डाली, लेकिन अगली पीढ़ी में भी क्या हुआ भाई, एक भी चूहा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो कटी हुई पूंछ वाला हो। तो ये सिद्धांत ये प्रूव करता है कि जो जीवन होता है वो क्या होता है, जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इसी वजह से समान प्रतिमान के समान संतान पैदा
ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। कोलोस्टम क्या है, ये कोलोस्टम क्या है, देखो बाल बालक का रोग, माँ का पहला दूध, बालक का चलना, बालक का जैविक संरचना। कोलोस्टम क्या होता है, माता का जो पहला दूध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्टम बोलते हैं। ये क्या होता है, बच्चे के लिए बहुत स्वास्थ्य वर्धक होता है, ये संजीवनी साबित होता है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, सी होगा। आई ब्रेन कंडीशनल पद्धति क्या है, आई ब्रेन गणित का ज्ञान होना, विज्ञान विषय का ज्ञान होना, ये उपरोक्त दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। जो आई ब्रेन कंडीशनल जो कोऑर्डिनेशन पद्धति है उसमें क्या होता है, विज्ञान विषय का ज्ञान होता है। सिल्ली के अनुसार शेषावस्था का समय कितना है, जब हम बात सिल्ली के अनुसार करेंगे तो शेषावस्था का समय कितना है, सिल्ली के अनुसार जो शेषावस्था का समय वो कितना है, जन्म से 5 वर्ष तक का है। मुझे चाहे जैसा कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दूंगा, ये कथन किसका है। देखिए हम बात करते हैं वॉटसन महोदय की। वॉटसन कौन थे, वॉटसन जिनको हम क्या कहते हैं, व्यवहार का जनक कहते हैं, फादर ऑफ व्हीलिज्म कहते हैं, जिनको 20वीं शताब्दी का चमकता हुआ सितारा भी कहा जाता है। किनको, वॉटसन को। वॉटसन ने दो बात कही थी, व्यवहार क्या है, धनात्मक है, कभी क्या नहीं होता, कभी भी ये समाप्त नहीं होता है, लगातार बढ़ता रहता है। तो यही बात किसने कही थी, वॉटसन ने कही थी कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना दूंगा। तो मुझे चाहे जैसा कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दूंगा, ये कथन किसका है, हमारा जो आंसर होगा वॉटसन होगा। 2 वर्ष की आयु में बालक में स्वयंगों का विकास हो जाता है, ये कथन किसका है। देखो 2 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, सभी स्वयंगों का विकास हो जाता है, ये जो कथन है वो किसका है, ब्रिजेस का। ब्रिजेस ने क्या कहा कि बालक में क्या हो जाता है, सभी स्वयंगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। लेकिन जो 2 वर्ष की अवस्था में जो सबसे पहले जो संवेग विकसित होता है उसका नाम है उत्तेजना। कि बालक में 2 वर्ष तक सारे संवेग पैदा हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहला जो संवेग प्रकट होता है वो कौन सा, उत्तेजना। तो ये जो ब्रिजिस महोदय हैं, इन्होंने संवेगों का विकास होता है ये कहा ब्रिजिस ने। किसके अनुसार बाल्यावस्था हृदयम छदम परिपक्वता का काल है, देखिए ये किसने कहा था, ये कहा था जे एस रोज ने। उन्होंने कहा क्या कहा, मिथ्य परिपक्वता का काल भी कहा। क्यों कहा, इस अवस्था में जो बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वो परिपक्व नहीं होते, मिच्योर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या समझते हैं, मिच्योर समझते हैं कि मैं क्या हूँ, मिच्योर हूँ, मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ, वो ऐसे समझने लग जाते हैं। इस वजह से इसे वित्तीय परिपक्वता का काल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो परिपक्व नहीं होते, फिर भी अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, परिपक्व मानने लग जाते हैं। तो ये कहने वाले थे जे एस रोस। किसके अनुसार बाल्यावस्था संगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है, कि भाई ये जीवन का अनोखा काल है, कि जीवन का अनोखा काल किसको बताया गया, बाल्यावस्था को। ये कहने वाले व्यक्ति थे कोल एंड ब्रूस के अनुसार जो बाल्यावस्था है वो जीवन का कैसा काल है, अनोखा काल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो भी काम होते हैं मतलब बड़े अनोखे तरीके से होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोल एंड ब्रूस होगा। आदर्श वीर पूजा की भावना का विकास किस अवस्था में होता है, ये जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा क्या, जो बच्चा होता है वो क्या करने लग जाता है, किसी भी एक व्यक्ति को अपना आइडियल मान लेता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करने लग जाता है, कार्य करने लग जाता है। इसमें जो देशभक्ति की जो भावना होती है, जो वीर पूजा की भावना होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, किशोरावस्था होगा, ठीक है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है, आपने किशोरों को देखा होगा, किशोर एक ऐसी अवस्था होती है जो 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, जब किशोर क्या करे, बेचारा छोटे बच्चों में बैठे तो क्या लोग क्या कहते हैं कि तू छोटा थोड़ी है कि छोटे में बैठ गया, अगर वो बड़े लोगों में बैठे तो बड़े क्या बोलते, तो इतना बड़ा हो गया कि हमारी बातें सुन रहा है। तो हमेशा क्या रहता है, एडजस्टमेंट करने की स्थिति में रहता है वो, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता उसको, मतलब हमेशा क्या होती है, उसे हमेशा समायोजन करना पड़ता है हर चीज़ से। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, समायोजन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो ना छोटों में बैठ सकता ना बड़ों में, वो उसको यही समझ में नहीं आता कि मैं एक्चुअली हूं क्या। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा समायोजन। बाल विकास को आधुनिक रूप माना गया है, बाल विकास को आधुनिक रूप किसने माना है, समाज शास्त्र का, शिक्षा मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का, ये बाल मनोविज्ञान का। बाल विकास को जो आधुनिक माना है वो बाल मनोविज्ञान है, क्योंकि जो बाल विकास है वो किसका हिस्सा है, हम किसमें पढ़ते हैं उसको, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। रिपब्लिक बुक किसकी रचना है, कि भाई रिपब्लिक किसने लिखी थी, ये बुक किसने लिखी थी, प्लेटो ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लेटो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आगे की क्लास में आगे के जो जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।